जो लोग यहाँ नियमित रूप से आते हैं उन्होंने मुझे ये कहते हुए सुना है कि मैं जब स्कूल से पैदल घर आता था, 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तो वहाँ रास्ते में एक प्याऊ पड़ता था। गर्मी के सीज़न में परमानेंट प्याऊ था, किसी सेठ ने बिल्डिंग बना के डाल दिया था। वहाँ अंदर सत्संग होता था, बाहर प्याऊ था, ठंडा शुद्ध जल देते थे, हम बच्चे लोग वहाँ जाके पीते थे। लेकिन प्याऊ के ऊपर जो 4 लाइन लिखे हुए थे उसको यहाँ इसके पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ। उसमें से पहले 2 लाइन थे, जब तक है ज़िंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक हम इस दुनिया में हैं कभी भी काम से फुर्सत मिलने का सवाल नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के साथ संगति करने के लिए, प्रभु के बारे में 4 शब्द सुनने के लिए समय निकाल कर इस तरह के सत्संग में जाएं। आगे के 2 लाइन और भी झकझोर देने वाले लाइन हैं। उसमें अगली लाइन है, जब तक है ज़िंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, 2 बातों को भूल मत, चाहे जो भी कल्याण हो। नंबर 1 प्रभु, नंबर 2 मृत्यु। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में जो आया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जाएगा। हिंदी में एक दूसरी कहावत है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। चाहे दुनिया का शहंशाह हो, चाहे फकीर जिसने सब त्याग दिया हो, या रंक जो कि भिखारी है जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन एक बार इस संसार में आया है तो उसको जाना ही पड़ेगा। इस कारण प्याऊ में लिखे हुए वो जो 4 लाइन है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, जब तक है ज़िंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। पहली बात प्रभु को, दूसरी बात मौत को। तो चूंकि हम सब जो इस संसार में आए हैं, हम सबको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु ने हमको जो समय दिया है वो समय प्रभु को स्मरण करने के लिए बिताएं। हफ्ते के 7ों दिन इस तरह से सत्संग में हम में से कोई भी एकत्रित नहीं हो सकता है, लेकिन हफ्ते के कम एक दिन, 1-2 घंटे प्रभु के लिए अलग करना ये हर व्यक्ति के लिए संभव है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस बात को भी याद रखें, भारत के बहुत ही फेमस कबीरदास कह गए हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। मतलब जब दुख होता है जीवन में तो प्रभु को सब स्मरण करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब जीवन में सब अच्छा चल रहा है तब भी यदि हम प्रभु को याद रखेंगे तो जीवन में दुख की संभावना कम है। और यदि दुख जीवन में आते भी हैं तो चूंकि हम प्रभु के साथ, हमारा जीवन एक तार से जुड़ा हुआ है, प्रभु से ट्यून्ड है, तो उस दुख को हम सही तरीके से देख सकेंगे। जो लोग पहली बार इस सत्संग में आए हैं मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम हर संडे आकर पवित्र बाइबल से प्रभु के वचन का ध्यान करते हैं। पवित्र बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जिसको लगभग 40 के करीब लोगों ने लगभग 1,500 सालों में लिखा था। इस ग्रंथ में बहुत से महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, एक मुख्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है, वो व्यक्ति है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु को, प्रभु के नाम को अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से उसका उच्चारण होता है।
मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश में उच्चारण ईसा होता है, मध्य प्रदेश में सब लोग उनको प्रभु ईसा कहते हैं, कई और जगह पर प्रभु यीशु कहते हैं, सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं। मैं जो महान ग्रंथ आपके सामने खोले हूँ, इसमें जब अनुवाद किया गया था तब यीशु उच्चारण यूज़ किया गया है, इसलिए मैं उस उच्चारण का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं याद दिला दूँ, यीशु, ईसा, ईसा मसीह, सब एक ही बात है। आज से 2000 साल पहले मनुष्य को मुक्ति देने के लिए प्रभु ने मनुष्य रूप में या मनुष्य के चोले में इस संसार में जन्म लिया था। उनको इस तरह से इस संसार में जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बात मैं याद दिला दूं। ये हम सबको समझ लेना चाहिए, हमको प्रभु की ज़रूरत है, प्रभु को हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रभु ने हम सबसे इतना स्नेह किया कि मनुष्य रूप धारण करके वे इस संसार में पधारे, जिससे कि मुझे और आपको एक नया जीवन दे सकें। इसके बारे में पवित्र बाइबल में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अनुवाद इस तरह से है, प्रभु ने इस संसार से इतना स्नेह किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार के लिए दे दिया। मतलब मनुष्य के सृष्टा ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि मनुष्य नाश ना हो जाए, इस बात को मन में रखकर अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आने के लिए भेजा, ताकि जिसके कारण जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। एक बार और इसका मतलब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु ने, मनुष्य के सृष्टा ने जब देखा कि मनुष्य अपने पापों में, अपने अधर्म में पूरी तरह से लिप्त है, उसके लिए मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, तब उन्होंने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में मनुष्य रूप में, मनुष्य के चोले में देह धारण करके भेजा, जिससे कि वे सूली पर अपना जीवन मेरे और आपके लिए अर्पित करें, ताकि हम जो जीवन में विनाश की तरफ जा रहे हैं, हम उस विनाश से बचें, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, इस बात को मैं समझ गया हूँ, मैं इस बात को भी समझ गया हूँ कि आपने मेरे लिए अपने जीवन सूली पर कुर्बान किया, आज आपसे मेरी याचना है, मेरी विनती है कि हे प्रभु, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को, मेरे अधर्म को क्षमा कीजिए और मुझे मुक्ति दीजिए। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से प्रभु से विनती करता है, प्रार्थना करता है, याचना करता है, तुरंत उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। कोई पिता नहीं चाहता, कोई माँ यह नहीं चाहती कि उसका बच्चा बर्बाद हो जाए। उसी तरह से मनुष्य की सृष्टि जिस प्रभु ने की है, वे प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अपने पापों में नाश हो जाए। प्रभु तो हमको मुक्ति देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे आपके जीवन में जो पतन आया है, जो गिरावट आई है, जो पाप आया है, जो हमको नरक की तरफ खींच कर ले जा रहा है, उस बात को समझकर प्रभु की तरफ मुड़ के प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं समझ गया हूँ कि आपने सूली पर मेरे लिए अपना बलिदान दिया, आज मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, आज से लगभग 60 साल पहले इस बात को समझकर मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। आप पूछेंगे, शास्त्री सर, 60 साल पहले तो आपकी उम्र क्या होगी? भाई, इतनी उम्र हो गई है कि 60 साल पहले हमें अकल आ गई थी, ठीक है, तो असली उम्र कितनी होगी वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप हिसाब लगाइए। लेकिन 60 साल पहले हमारी इतनी उम्र हो गई थी कि हम इन बातों को समझने लगे थे। जब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा,
स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पापा ने ये बातें मुझे बताई, इस बात को समझकर मैंने वहीं घुटने टेक कर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और तब से मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस है, एक हिम्मत है, एक आशा है कि हाँ मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि प्रभु पापों को क्षमा देने के लिए तो संसार में पधारे थे, और इस बात को पहचान कर मैं सीधे प्रभु के पास गया, प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु से याचना की कि हे प्रभु मुझे अपना बच्चा बना लीजिए। प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए, मुझे नया जीवन दिया, मुझे अपनी संतान अपना बच्चा बना लिया। तब से उस खुशी के साथ मैं जीवन बिता रहा हूँ। आज जितने भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इनमें से यदि ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने अपने जीवन में ये खुशी नहीं पाई है, ये माफ़ी नहीं पाई है, ये क्षमा नहीं पाई है, तो उनसे मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है, मेरी याचना है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रभु के पास आए, इस नए जीवन को पाए। इतना कहने के बाद पिछले दिनों हम जिन चीजों का अध्ययन कर रहे थे उनकी तरफ वापस मुड़ेंगे। प्रभु के वचन से इफिसियों नामक पुस्तक उसके पांचवें अध्याय को खोल लीजिए। इफिसियों नामक पुस्तक उसके पांचवें अध्याय से हम कुछ बातें पढ़ना चाहते हैं। पिछले कई हफ्तों में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिस क्षण कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, उस क्षण पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को लेकर प्रभु के शरीर के अंग बना देते हैं। आप कहेंगे कि शास्त्री सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, हम सब इस बात को जानते हैं, चाहे कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, गुजरात का हो या बंगाल का हो, सारे भारतीय एक हैं, हम सब एक देश के अंग हैं, एक दूसरे के भाई भाई हैं, और इस कारण एक दूसरे के शरीर के अंग हैं। कल मेरे परिवार में यदि मेरा कोई नाती या पोता पैदा होगा तो वो भी पैदा होते ही इस विशाल 130 करोड़ वाले परिवार का अंग बन जाएगा। इसी तरह से एक आत्मिक, हमारे जीवन में एक आत्मिक घटना होती है, जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण पवित्र आत्मा हमको लेकर प्रभु यीशु के शरीर के अंग बना देते हैं। प्रभु यीशु के शरीर का मतलब क्या है? इस सारे विश्व में वे करोड़ों लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके नया जीवन पाया है, वे सब एक आत्मिक शरीर के अंग हैं। जिस तरह से हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक देश के अंग हैं, एक माँ के पुत्र हैं, उसी तरह से जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वे करोड़ों लोग एक पिता के पुत्र हैं। हमने नए जीवन पाए, उस नए जीवन पाने के कारण एक पिता के पुत्र हो जाते हैं। इस तरह से हमको लेकर जब उस शरीर का अंग बना देते हैं, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहा जाता है। इसके अलावा पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन करते समय मैंने अपने लास्ट दो तीन संदेशों में एक दो बातें और बताई थी। जब इस तरह से कोई व्यक्ति नया जीवन पाता है, तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को कम से कम एक वरदान देते हैं, जिस वरदान का उपयोग करना उनके लिए जरूरी है। लास्ट संदेश में मैंने या लास्ट प्रवचन में मैंने ये बात बताई थी कि जो व्यक्ति इस तरह से प्रभु को ग्रहण करके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन बिताता है, उसके जीवन में आत्मा का फल दिखने लगता है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, नम्रता, संयम वगैरह है। जब हम एक परिवार के अंग बन जाते हैं, तब उस परिवार का स्वभाव हमारे अंदर दिखना जरूरी है। मैंने ये बात इसके पहले कई बार आपको बताई थी कि गांव से जब कोई लड़का जो ढंग से खड़ा भी होना नहीं जानता,
जो इस तरह से खड़े होकर बात करता है, जब वो आर्मी में भर्ती हो जाता है और साल भर के बाद जब वो अपनी पहली छुट्टी पे आता है तो यूँ खड़ा होकर बात करता है, जिसको हफ्ते भर के बाद डंडे मार मार के बाथरूम भेजना पड़ता था, भैया स्नान करके आओ, हम सब यहाँ बैठना चाहते हैं, हमारी नाक में दम हो रहा है। वो सुबह सबके उठने से पहले जाके शेव करता है, स्नान करता है, शौच से निवृत्त हो जाता है, साफ कपड़े पहन कर आकर अपने घर के बैठक में या घर के बाहर दालान जहाँ पलंग पड़े हैं वहाँ आके बैठ जाता है कि माँ चाय पिलाइए। परिवर्तन क्यों आया? आज से साल भर पहले वो आर्मी नामक परिवार में भर्ती हो गया, जहाँ के नियम कायदे अलग हैं, जहाँ लोगों के जीने का तरीका अलग है, और इस कारण वो अब पूरी तरह उसमें ढल गया है, बस गया है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है और जब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं, तब उसके जीवन में प्रेम, भलाई, खुशी, आनंद, संयम, इस तरह की बातें धीरे धीरे आने लगती हैं। आज मैं फिर से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करते हैं उससे संबंधित एक और बात बताना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 15वें पद से हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि भी हो जाए। इफिसियों 5:15 में हम देखते हैं, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, मतलब मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं ये तो हम में से हर व्यक्ति जानता है। सुबह अखबार खोलकर पढ़ लीजिए तो अखबार में सामने के ही पन्ने पर यदि 8 मुख्य खबर हैं तो उसमें से कम 4 खबर होगी, वहाँ दुर्घटना हो गई, वहाँ आंधी हो गई, यहाँ तूफान हो गया, फलानी जगह मकान गिर गया और ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और इतने सारे लोग गुजर गए। दिन बुरे हैं इसको हर कोई जानता है। नौकरी की तलाश में जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर जिसने यात्रा की है वो इस बात को जानता है कि दिन बुरे हैं, इसलिए मुझे अपने गांव, अपने घर वालों को छोड़कर इतना दूर, इतने दूर जाना पड़ा जिससे कि मुझे कुछ रोजी रोटी के लिए कोई जरिया आ जाए। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि दिन बुरे हैं लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है उस व्यक्ति के लिए भले ही दिन बुरे हों, चाहे समाज में कुछ भी हो रहा हो, इन सब के बावजूद उसके सामने अवसर है, उस अवसर को वो बहुमूल्य समझे। आप कहेंगे कि शास्त्री सर मेरे सामने तो कोई अवसर नहीं आते हैं, मैं तो काफ़ी समय से अवसर की तलाश में हूँ। इसके बारे में मैं एक दिलचस्प बात बताऊँ, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है, ऐसी रिसर्च में उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की, ऐसी क्या बात है कि कुछ लोग बड़े लकी निकलते हैं। ये अपनी भाषा बता रहा हूँ, कई लोगों के बारे में कह रहे हैं वो तो बड़ा लकी है, वहाँ गया तो उसका वो काम हो गया, यहाँ गया तो उसका काम हो गया, उसके सारे काम हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक लोग, मतलब जो समाज का अध्ययन करते हैं, जिनको समाज शास्त्री कहा जाता है, ऐसे लोगों ने समाज का अध्ययन किया कि जरा देखा जाए कि ऐसी कौन सी बात है कि कुछ लोग तो बड़े लकी हैं, बाकी लोगों का दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसे 500 अध्ययन सारी दुनिया में हो चुके हैं और इन 500 अध्ययनों से एक बात स्पष्ट हुई है, वो यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति के सामने अच्छे मौके आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन में अच्छे मौके नहीं मिलते हैं। अंतर यह है कि कुछ लोग मौका देख के उसे समझ जाते हैं और मौका देख के समझने के कारण वे लोग उसका उपयोग करते हैं, बाकी आंखें बंद किए बैठे रहते हैं।
इससे वैज्ञानिकों ने एक बात बताई, हम में से हर व्यक्ति चाहे वो कितना भी अभागा अपने आप को समझे, लेकिन उसके जीवन में उतने ही अवसर खुले हैं जितने कि दूसरों के सामने हैं। फर्क यह है कि एक आंखें खोल के आगे जा रहा है, एक आंखों पे पट्टी बांध के आगे जा रहा है। जो आंखों पे पट्टी बांध ली तो अवसर आएगा तो क्या दिखाई देगा, वो तो ठोकर खा के गिरेगा। प्रभु का वचन यही बात याद दिलाता है कि समय बुरा है, इसमें कोई शक नहीं है, और चूंकि समय बुरा है इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। मतलब तुम्हारे सामने जो अवसर है उसकी कीमत समझो, ये समझो कि उसकी कीमत बहुत है, और जब मौका मिलता है तो उसका उपयोग कर लो। एक अध्यापक होने के कारण इस बात को मैं अक्सर देखता हूँ। यदि आपके क्लास में 60 विद्यार्थी हैं या 80 विद्यार्थी हैं, उन सबको आप एक ऑफर दे दीजिए, कितने विद्यार्थी उस ऑफर का उपयोग करेंगे? एक सरल सा उदाहरण दूं, आप सब जानते हैं कि मैं भौतिक शास्त्र पढ़ाता हूं, पढ़ाता था। फिजिक्स जो कि सबसे कठिन विषय माना जाता है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो उसको एकदम से सरल शब्दों में पढ़ाता हूं, और मेरे विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि सर आपके क्लास में बैठते हैं तो फिजिक्स जैसे जैसे कठिन विषय के बारे में भी ऐसा लगता है कि आप कोई कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, इतने सरल शब्दों में मैं फिजिक्स पढ़ाया करता हूं। मैंने एक बात नोट की है, कभी कभी मैं क्या करता था, बोल देता था बच्चों कल तो छुट्टी है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने इजाजत दे दी है कि शास्त्री तुम्हारी इच्छा हो तो स्कूल खोल देंगे, क्योंकि चौकीदार वहीं रहता है, चपरासी लोग तो दफ्तर के काम से आएंगे ही, तो एक क्लासरूम खोलने में हमको क्या हर्जा है, तो यदि तुमको क्लास लेना है तो तुम क्लास ले लो। मैं अक्सर उनसे पूछा करता था सर मैं लैब भी खोल लूँ क्या, मैं तो बैठता ही लैब में था। तो वो बोलते थे अरे लैब असिस्टेंट तो आने वाला है, उसकी तो छुट्टी नहीं है, तो तुम चाहे तो लैब चलाओ, तुम चाहे तो क्लास लो। मैं कई बार अनाउंस करता था बच्चों कल छुट्टी है, घर पे फालतू बैठने से अच्छा यह है कि फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट को थोड़ा सा समय दिया जाए जिससे कि तुम्हारे नंबर कुछ और अच्छे हो जाएं, तो कल सुबह 10 से लेकर अपन दोपहर को 3 बजे तक क्लास लगाएंगे, विशेष क्लास, एक्स्ट्रा क्लास। 10 से 11:30 तक मैं क्लास लूँगा या 12 तक क्लास लूँगा, उसके बाद तुम लोग थोड़ा सा लंच ब्रेक कर लेना, उसके बाद लैब में तुमको वैसे तो 1 घंटा मिलता है लेकिन कल छुट्टी है इसलिए मैं तुमको लंच के बाद 2 घंटे दे दूंगा, चाहो तो 2.5 घंटे भी। कई बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे उनकी लॉटरी निकल आई हो। आपको क्या लगता है 80 में से कितने विद्यार्थी आते हैं? मैंने इस बात को नोट किया है कि इस तरह से आप स्पेशल क्लास कर लें, आपको फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है, स्कूल आपको कुछ नहीं दे रहा है, आपके घर वाले नाराज हैं कि एक छुट्टी का दिन मिला वो भी तुम स्कूल के लिए दे रहे हो, इसके बावजूद आप ये सब कर रहे हैं। 80 में से कितने विद्यार्थी आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 40। क्यों? मौका मिला है, अवसर मिला है, लेकिन आधे लोग आंखों पे पट्टी बांधे हुए फिर रहे हैं कि अरे क्या एक्स्ट्रा क्लास, खामोखा का सरदर्द, वहाँ जाएंगे 5 घंटे, मतलब 10 बजे से 3 बजे तक 5 घंटे बर्बाद करने पड़ेंगे। 80 में से 40 लोग इस बात को समझ जाते, अरे सर क्लास लगा रहे हैं क्या शास्त्री सर, अरे फिर तो मज़ा आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि छुट्टी का दिन है, स्कूल में शोर शराबा नहीं होगा, सर बिल्कुल मानसिक रूप से फ्री होंगे, और इसलिए सर से कोई भी डाउट पूछ लो तो सर उसको अच्छी तरह से समझा देंगे, तो अपने को विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल में जो रोज़ धक्का मुक्की होती है सब लोग नहीं आएंगे, इसलिए धक्का मुक्की नहीं होगी, 1 घंटे के बदले अपन 2 घंटे प्रैक्टिकल कर सकेंगे, तो एग्ज़ाम में इस विषय को अपन अच्छी तरह से कर सकेंगे। वैज्ञानिकों ने इस बात को देखा है कि संसार में
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने अवसर नहीं हो, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अवसर के प्रति आंखें खोले हैं, बाकी आंख मीच के चलते हैं। बाद में शिकायत करते हैं कि हमको कोई मौका नहीं देता, हम तो हमारा तो भाग्य ही खोटा है। अरे भाग्य कहाँ से खोटा है, तुम्हारी अकल खोटी है जो कि अवसर को देख के उसको समझते नहीं हो। प्रभु का वचन एग्जैक्टली आत्मिक बातों के बारे में भी प्रभु का वचन यही बात याद दिलाता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आगे निर्बुद्धि ना हो, मतलब वही मैं कह रहा हूं कि यहां से खोटे हो जाओगे तो जीवन में कुछ नहीं बन सकते। निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप कहेंगे कि प्रभु की इच्छा तो क्या आत्मिक जीवन में भी? जी हाँ, हमारा जो सांसारिक जीवन है और हमारा आत्मिक जीवन एकदम समानांतर है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से दूध पीकर वो बढ़ता है और जब बड़ा हो जाए तो अन्न खाने लगता है। आत्मिक जीवन में जब हम पैदा होते हैं तो प्रभु के वचन का दूध पीते हैं और उसके बाद हम आत्मिक जीवन में इतने परिपक्व या मैच्योर हो जाते हैं कि प्रभु के वचन का जो अन्न है उसको खाने लगते हैं। आत्मिक जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं तो जीवन में अवसर ढूंढने लगते हैं, सांसारिक जीवन में अवसर ढूंढने लगते हैं। आत्मिक जीवन में भी इसी तरह से जब हम अपने जीवन में मैच्योर या परिपक्व हो जाते हैं तो आत्मिक जीवन में अवसर ढूंढने लगते हैं। यही प्रभु का वचन कह रहा है कि निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम में से हर व्यक्ति के बारे में प्रभु की कुछ ना कुछ इच्छा है, सांसारिक जीवन के बारे में भी इच्छा है, आत्मिक जीवन के बारे में भी इच्छा है। और इन दोनों जीवनों में हमको सही चॉइस, सही चुनाव करना जरूरी है। आप कहेंगे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि यदि हम सांसारिक जीवन में गलत चुनाव करेंगे, चॉइस करेंगे, तो वो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगा। आप कहेंगे कैसे? भैया यदि मैं उठने बैठने के लिए ऐसे दोस्तों का चुनाव करूंगा जो कि आत्मिक रूप से हर चीज का उपहास करते हैं, मजाक करते हैं, तो उनके साथ उठने बैठने मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो सांसारिक जीवन में हम जिन बातों को चूज करते हैं या चुनते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन पर असर डालता है। उसी तरह से आत्मिक जीवन में हम जो चुनाव करते हैं वो हमारे सांसारिक जीवन पर असर डालता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? देखिए, आत्मिक जीवन में यदि हम प्रभु के साथ साथ चलें तो हमारे जीवन में शांति होगी, हमारे जीवन में आनंद होगा। और यदि हमारे आत्मिक जीवन में शांति होगी, आनंद होगा, तो संसार में हम जो करेंगे वो भी हम शांति और आनंद के साथ कर सकेंगे। इस बात को याद रखें कि हम में से कोई व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन को आत्मिक जीवन से या आत्मिक जीवन को सांसारिक जीवन से अलग नहीं कर सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों पहलू अलग अलग हैं। सिक्के का हेड होता है, टेल होता है। हेड है तो टेल है, टेल है तो हेड है, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। यदि सिक्के का हेड यदि खराब हो जाता है वो सिक्का नहीं चलता है, टेल भले ही अच्छा हो। सिक्के का टेल खराब हो जाए, हेड अच्छा हो, तो भी सिक्का कोई नहीं लेगा। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन के दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि देखो, निर्बुद्धि मत हो, मूर्खता मत करो, बेवकूफी का काम मत करो, आंख मीच के मत चलो, आंख खोलो, देखो तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए क्या सर्वोत्तम है, तुम्हारे सांसारिक जीवन के लिए क्या सर्वोत्तम है। आंख खोलकर ये देखो कि तुम जिस आदमी को बहुत लकी समझते हो उसके जीवन में जितने अवसर हैं उतने ही अवसर तुम्हारे जीवन में। फर्क क्या है? उसके जीवन में अलग प्रकार के अवसर हैं, मेरे जीवन में अलग प्रकार के हैं, लेकिन अवसर हैं। और यदि हमको जो अवसर मिलता है उसका उपयोग हम करेंगे तो वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। मैं इसके पहले भी कई बार ये शब्द यूज कर चुका हूं, रूपांतर। जिस दिन हम प्रभु को ग्रहण करते हैं उस दिन से हमारे जीवन में रूपांतर शुरू हो जाता है। लेकिन उस रूपांतर के लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि समय बुरा है और इस कारण प्रभु ने सांसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में जो भी अवसर भेजे हैं उन अवसरों को हम बहुमूल्य समझें। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है,
दाखरस से मतवाले ना बनो, मतलब नशा मत करो, इससे लुचपन होता है। लुचपन का मतलब है अच्छे से अच्छा आदमी जब नशे में आ जाता है तो वह ऐसे कर्म करता है कि उसके घर वाले सर पीट लेते हैं। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं बचपन में जब 6-7 साल का था तब हम एक कलारी के सामने रहते थे, हमारे इलाके में उसे कलारी बोलते हैं, शराब खाना, जहाँ नंबर वन देशी दारू बेचते हैं। सुबह से शाम तक वहाँ यही नाटक होता था कि आदमी आता था दो पैर पे और जाता था चार पैर पे, मतलब रेंगते हुए बच्चों के समान। आते समय बदन पे वस्त्र थे, जाते समय उसका कपड़ा, वो मैं जब 5 साल का था तब पैंट वगैरह का चलन कहाँ था। कलारी में जो लोग आते थे धोती पहन के आते थे, वो रेंग के जाता था, दूसरे लोग उसकी धोती लेके पीछे भागते थे उसके ऊपर डालने के लिए कि भैया तुम ये जो नंग धड़ंग रेंग रहे हो ये देख के तुमको तो शर्म नहीं आ रही, हमको शर्म आ रही है। प्रभु का वचन यही कहता है, दाखरस से मतवाले बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है। मतलब देखो, जीवन में नशा मत करो, इससे जीवन में हर चीज़ की अति होती है। नशे से मेरा यहाँ प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है, सिर्फ शराब पीने से नशा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों से लोगों को नशा होता है। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि तुम्हारे जीवन में कंट्रोल मिट जाए, आत्मसंयम मिट जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। आगे लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये वो मुख्य चीज है जो मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जिस क्षण हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण पवित्र आत्मा हमको लेकर प्रभु के उस सार्वलौकिक सभा के अंग बना देते हैं। उस सभा को प्रभु कहते हैं, ये मेरा शरीर है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, हमको कम से कम एक वरदान देते हैं, ना केवल वरदान देते, हमारे स्वभाव में रूपांतर लाते हैं, प्रेम, आनंद, धीरज, मेल, भलाई, नम्रता, संयम हमारे जीवन में प्रोड्यूस करते हैं, और बाद में मेरे और आपके जीवन का नियंत्रण करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु ने मदद की तो इस विषय को हम और भी डिटेल में आने वाले हफ्तों में देखेंगे, लेकिन आज मैं ये बात आपके साथ छोड़ जाना चाहता हूँ, ये संदेश आपके मनों में छोड़ देना चाहता हूँ, डाल देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो हर तरह की बुराई से भरा हुआ है, हर तरह के नीचकारी से भरा हुआ है, लेकिन इस नीच संसार में पापी और अधर्मी मुझे और आपको एक नया जीवन देने के लिए प्रभु पधारे थे। वो नया जीवन प्रभु की करुणा है, प्रभु की दया है। उस नए जीवन को हम सही रीति से जी सकें उसके लिए प्रभु ने हमारी मदद की है, कई तरह से मदद की है। पवित्र आत्मा नियमित रूप से हमारी मदद करते हैं। आज प्रभु के वचन से हमने देखा कि पवित्र आत्मा का भराव हमारे जीवन में आता है, जिससे कि हम जीवन में मूर्खता के काम ना करें, गलत काम ना करें। जब जीवन में अवसर आए तो उस अवसर को देखकर हम समझें और उस अवसर का उपयोग कर सकें। क्लोजिंग से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसको जरा ध्यान से सुन लें। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है और जिन्होंने नहीं किया, सब लोग इस बात को ध्यान से सुन लें। आज संसार में अमीरों की संख्या ज़्यादा है या गरीबों की ज़्यादा है? संसार में गरीबों की संख्या ज़्यादा है। संसार में यदि अमीरों की संख्या, गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो उनकी संख्या ज़्यादा इसलिए है क्या कि उनको कोई ज़बरदस्ती गरीब रख रहा है? नहीं, इस विषय पे बहुत रिसर्च हुआ है। लोगों ने ये रिसर्च करके देखा कि आज संसार में जितने लोग हैं वो लोग पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, अमीर लोग पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, मध्य वर्ग लोग पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, गरीब लोग पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, इसका अध्ययन किया।
उसके बाद उन्होंने ये सारी जानकारी कंप्यूटर में डाल दी और कंप्यूटर से पूछा कि कल को सारी दुनिया में सबके पास जितना पैसा है वो सब हर एक के पास से ले लिया जाता है, और उसके बाद जो अमीर है उसको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, जो मध्यम वर्गीय है उसको भी 1 करोड़ दे दिया जाता है, और जो गरीब कंगाल फटे हाल समाज में चल रहा है उसको भी 1 करोड़ दे दिया जाता है। भैया तुम रखो और तुम इसका उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करो, उसका क्या परिणाम होगा? कंप्यूटर ने गणना करके ये बात बताई कि साल भर के बाद 1 करोड़ रुपए मिलने से पहले जो गरीब था वो फिर से गरीब हो जाता है, नंगा भूखा, और जो अमीर था वो सारा पैसा खींच लेता है। कारण क्या है? हमारी आदतें, हमको जो मिला है उसका सदुपयोग करना हम में से कई लोग नहीं जानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम जानते हैं जो सामान्य लेवल से हिंदुस्तान के सबसे बड़े करोड़पति बन गए? इसमें मेरे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी कौन थे? वो एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले हिंदुस्तान के सबसे धनी व्यक्ति बन गए, रिलायंस इंडस्ट्री। उनके 2 बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आज हिंदुस्तान के सबसे धनी लोगों में से हैं। उनके पिताश्री कौन थे? जस्ट एक दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में काम करते थे, कोई अफसर नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति ने जीवन में जो अवसर सामने आए उसका उपयोग किया, हिंदुस्तान में सबसे धनी व्यक्ति बन गया। ग्वालियर में हमारे घर के बगल में एक राज परिवार था। उस परिवार का जो आखिरी बचा हुआ वारिस था उसने अपने कमरे में फोटो लगा रखी थी, महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की गोद में बैठे। जब वो बच्चा था तब महाराजाधिराज जीवाजी राव सिंधिया, जो कि बहुत ही विशाल हृदय और भारत के सबसे धनी राजे महाराजाओं में से एक थे, उनकी गोदी में बैठे हुए। क्यों? इस बच्चे का पिता राजा का जागीरदार था, करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन जब तक मैंने उसको देखा उसकी हालत ये थी, सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी, आखिरी एक मकान बचा हुआ था जो मेरे जान पहचान के व्यक्ति ने उसको हड़प लिया था किराए के नाम पे। सुबह वो हफ्ते में एक बार, उसको महीने में एक बार किराए देते थे, वो हफ्ते भर में ख़त्म कर देता था पी के, तो उसके बाद जिसने हड़प किया वो हफ्ते में एक बार पैसा देने लगा, तो वो 2 दिन में ख़त्म कर दे, तो फिर वो दिन में एक बार पैसा देने लगा, सुबह दे तो दोपहर को आके हाथ फैलाए। तो लास्ट मेरी जो मुलाकात हुई थी उस समय, क्यों, मैं उस मकान मालिक को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए ये मेरी आंखों देखी बात है, मकान मालिक बोला कि भैया अब तो मैं इसको सुबह इतने पैसे देता हूँ, शाम को इतने देता हूँ। देखिए, एक धीरू भाई अंबानी जो एक औसत व्यक्ति से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करोड़पति बन गया, और एक ये करोड़पति जो नंगा भूखा सुबह हाथ फैलाए शाम को हाथ फैलाए, क्या फर्क है? अनुसंधानों से, रिसर्च से ये बात पता चली है कि यदि हम अवसर का उपयोग नहीं करेंगे तो दुनिया के सबसे धनी क्यों ना हो हम कंगाल हो जाएंगे, और अवसर का सही उपयोग करेंगे तो कंगाल से कंगाल क्यों ना हो हम धीरे 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 अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। आत्मिक जीवन में प्रभु ने हमको जो अवसर दिए हैं उन अवसरों का जो उपयोग करता है वो आत्मिक जीवन में और महान और महान और महान और महान होता चला जाता है, लेकिन आत्मिक जीवन में प्रभु ने जो अवसर दिए हैं उसका उपयोग ना करें, उसको यदि प्रभु ने सब कुछ दिया हो तो भी वो बर्बाद हो जाएगा। एक और उदाहरण के साथ मैं क्लोज करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों हम उस व्यक्ति के जीवन का अध्ययन कर रहे थे।
एक अमेरिकी स्त्री थी जिसका नाम है फैनी क्रॉसबी। जब वो 3 साल की थी तब एक नीम हकीम ने उसके आंखों में बहुत ही जहरीली दवा डाल दी और उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। आज अंग्रेजी में मसीही समाज जो सबसे अधिक जो भक्ति गान गाना गाते हैं, ये सारे गाने लगभग उसके लिखे हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि उसने अपने जीते जी, उस स्त्री ने जिसकी आंखों की रोशनी 3 साल की उम्र में चली गई थी, ऐसा अनुमान है कि उसने अपने जीते जी 7 से 10 हज़ार के बीच में गाने लिखे। मैं 7 से 10 हज़ार इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके बहुत सारे गाने लुप्त हो गए। उसने इतने गाने लिखे कि कोई उसको बचा के रख नहीं पाया। वो युग था जब रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी, सब कुछ उसका खो गया था। आंखों की रोशनी खोने के बाद भला जिंदगी में कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन उसको जो अवसर मिला था उसने उसका उपयोग किया। तो ये कहानी आज मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि पिछले दिनों एक कारण से उसने जो गाने लिखे हैं उसकी लिस्ट मैंने देखी है। मैंने कहा ये तो हमारा प्रिय गाना है, ये तो हमारा प्रिय गाना है, ये हमारा इष्ट गाना है और ये तो बहुत ही पॉपुलर, सब इसने लिखे, इस नेत्रहीन स्त्री ने। बाप रे, क्यों? इसलिए कि दिन बुरे थे उसके लिए, लेकिन प्रभु ने उसको जो अवसर दिया उसकी कीमत उसने समझी, उसका उपयोग किया और अपनी मृत्यु के कितनी दशाब्दियों के बाद भी आज वो हमको अपने गीतों के द्वारा अनुग्रह दे रही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज क्लोसिंग में मैं फिर से ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने सूली पर अपनी मृत्यु के द्वारा मेरे और आपके लिए नए जीवन का रास्ता खोल दिया है। उसके बारे में लापरवाही ना करें। यदि वो नया जीवन आपने नहीं पाया है तो जीवन का सर्वोत्तम सबसे बड़ा अवसर आप खो रहे हैं। हाँ, यदि आपने उस नए जीवन को पा लिया है तो इस बात को याद रखें, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब दिन बुरे हैं। प्रभु ने आपके सामने अवसर रखे हैं, उन अवसरों को देखकर उन अवसरों का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें, जीवन में ऐसा कोई भी अवसर ना आने दें, जीवन में ऐसी कोई आदत ना आने दें जो हमको नशे से भरकर हमको दूसरों के सामने नंगा कर दे। बल्कि प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रभु से जो भी अनुग्रह मिलने हैं वे सारे अनुग्रह मिल सकेंगे। आज प्रभु ने इस तरह से एकत्रित होकर इन बातों के अध्ययन के लिए जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ।